मेरा जन्म अल्मोड़े में हुआ, जो उत्तर प्रदेश का एक पहाड़ी इलाका है, और 1928 की मेरी पैदाइश है। वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई, और प्रारंभ के दिनों में, बचपन में जो कुछ भी मैंने सीखा या जिस तरह से मेरा विकास हुआ, मुझे जब मैं सोचता हूँ उन दिनों के बारे में, तो मुझे याद आता है कि वो ऐसा समय था जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था। तो हम लोग भी उससे प्रभावित हुए, विशेषकर चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और जो ये क्रांतिकारी लोग थे, इनकी किताबें पढ़ के हम लोगों ने एक संस्था बनाई, उसका नाम था वीर बालक समाज। उस समाज में कुछ सिलेक्टेड कुछ लड़के थे जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, और एक छोटा ग्रुप हमारा काम कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ये हुआ कि पुलिस को पता चल गया और वो संस्था टूट गई। उसके बाद फिर मैंने देखा और सोचा भी शायद कि ये मार्ग जो है वो अधिक हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, तो पढ़ना शुरू किया। और मैं मानवेंद्र नाथ रॉय, M.N. रॉय के नाम से जो जाने जाते हैं, उनकी पुस्तकें मैंने पढ़नी शुरू करी, और विज्ञान पर अधिक पढ़ना शुरू किया, साहित्य पर, पाश्चात्य जो विचारक थे उनकी किताबें पढ़नी शुरू करी। और इस प्रकार M.N. रॉय का जो साहित्य था, उसके माध्यम से मैं मार्क्सवाद तक फिर पहुंचा। कि हमारे घर में हमारे दादाजी संगीत के बड़े शौकीन थे, उन्होंने कुछ गीत भी लिखे जो वहाँ के स्थानीय रामलीला में गाए जाते हैं अभी तक। तो उन्होंने मेरा, उनके प्रभाव में आकर के मैं संगीत की तरफ भी आकर्षित हुआ। सवाई को बालो नरण, सवाई को बालो मेरी छेला, मेरो ही या भरियो छो नरण ज सुने नितालो मेरी छेला, हो नरण ज सुने नितालो मेरी छेला। खैर, उसके बाद मैं इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद में वहाँ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, और वहाँ मैं IPTA और कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में आया। IPTA के प्रभाव ने मुझे फिर आकर्षित किया लोक कलाओं की तरफ। तो वहाँ, खैर, जब मैंने MA पास करा, उसके बाद मैं अल्मोड़ा लौटा, और अल्मोड़ा लौटने के बाद मैंने फिर लोक कलाओं का अध्ययन, अल्मोड़े की लोक कलाओं का, कुमाऊँ की लोक कलाओं का, पहाड़ों की लोक कलाओं का एक अध्ययन शुरू किया, और मैं गांव में मैंने चक्कर लगाना शुरू किया। तो अल्मोड़ा में फिर एक संस्था लोक कलाकार संघ के नाम से स्थापित की। उसी समय जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके थे PC जोशी, वो अल्मोड़ा आए, और उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे अभी तक याद है, बल्कि मैं उनसे ये कहता था कि मैं चाहता हूँ कहीं कानपुर जैसी जगह में या बम्बई जैसी जगह में, जहाँ मजदूर हों, जहाँ मिलें हों, कारखाने हों, वहाँ मैं कुछ करूँ, ट्रेड यूनियन मूवमेंट में कुछ करूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, ये जो प्रदेश है, ये जो रीजन है, ये अंचल जो है, ये लोक कलाओं में बहुत रिच है, यहाँ लोक कलाएँ बहुत अच्छी हैं, तो इनका तुम क्यों नहीं अध्ययन करते हो, और इन्हीं के माध्यम से तुम जनता की सेवा करो। तो उनके उस विचारधारा का प्रभाव मुझे बहुत मेरे ऊपर पड़ा, और एक मेरे मन में एक प्रकार का आंदोलन सा उत्पन्न हुआ कि
कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो फिर मैंने अंतिम निर्णय यही लिया कि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा यही होगा कि मैं कुमाऊँ की लोक कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करूँ। और लोक कलाकार संघ के माध्यम से हमने बहुत सारे काम किए, अनेक प्रोग्राम तैयार किए। हमारा एक स्कूल भी चलता था जिसमें बच्चों की शिक्षा होती थी, लोक कलाओं पर हम शिक्षा देते थे लोगों को। अल्मोड़े में वो केंद्र था और उसको यूएनएस्को ने तब रिकॉग्नाइज भी किया था। उसके बाद फिर भारत चीन युद्ध छिड़ गया 1962 में, और एक ऐसा हुआ कि चूँकि मैं सीमावर्ती क्षेत्र में काम कर रहा था, इसलिए कई जो ऐसे कम्युनिस्ट थे जो सीमावर्ती क्षेत्र में काम करते थे उनको नज़रबंद कर लिया गया। 1963 में अगस्त के महीने में शायद, हाँ, मुझे जेल से छोड़ा गया था और उसके बाद मुझे दिल्ली आने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि मेरे ऊपर वो ऑर्डर सर्व हो गया था, एक्सटर्नमेंट ऑर्डर, और सातों पहाड़ी जिलों से कहा गया था कि मुझे जाना पड़ेगा बाहर। और मैं उन दिनों म्यूजिक क्रिटिक की तरह भी काम करना मैंने शुरू किया, जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस होती थी उसका रिव्यू लिखता था, कुछ लेख और लिखता था और अखबारों के लिए, और साथ साथ कहीं भी अगर म्यूजिक कंपोजिशन का काम मिले तो वो भी करता था। लेकिन ये सब होते हुए भी मुझे ये लगा कि मैं अपनी जो मेरी जो असली जो मेरा क्षेत्र है उससे मैं कटते जा रहा हूँ। तो ये सब बातें दिमाग में जब आई तो कुछ मित्रों की मदद से 68 में हमने एक संस्था की स्थापना की और उसका नाम पर्वती कला केंद्र रखा, और उसका प्रमुख उद्देश्य यही रहा, यही बनाया उस वक्त कि हम पर्वती लोक संस्कृति को दिल्ली के में जो प्रवासी लोग हैं उन तक ले जाएं और अपनी कोई पहचान बनाएं। दिल्ली तो एक महानगरी है, यहाँ पर इस तरह की पहचान बनाने से एक अच्छा प्रतीत होता है और एक एलियनेशन की फीलिंग नहीं होती, एक फीलिंग होती है कि आप भी इस देश के सांस्कृतिक पूरे वातावरण में और पूरे सांस्कृतिक क्षेत्र में आपकी भी कोई पहचान है। ये जो गीत बेड़ो पाको बारो माशा, इसके कुछ बोल मुझे मालूम थे, तो मेरे मित्र श्री ब्रिजेंद्र लाल शाह ने इस गीत को लिखा और मैंने इसकी धुन को परिवर्तित किया और ये गीत हिंदुस्तान में गाया गया, इसके बाहर गाया, हमारे देश के बाहर गाया गया। आज पुलिस बैंड्स इसको बजाती हैं। मेरी छेला हो नरण जसुने नितालो मेरी छेला। पर्वती कला केंद्र को ICCR ने दो बार विदेश भेजा और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भारत का प्रतिनिधित्व भी पर्वती कला केंद्र ने किया। और मुझे बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा अच्छा लगा कहना चाहिए, अजीब नहीं अच्छा लगा, कि सहारा जैसे डेजर्ट में मैं कुमाऊँ की होली गा रहा हूँ। ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी आती हैं जिसके लिए वो बड़ा नोटोरियस माना जाता है, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे जो नोटोरियस बात है वो शायद यही है कि मैंने अपनी जो कोर्टशिप रखी वो करीब करीब 25 साल तक चली, और नईमा खान, और ये कोर्टशिप फिर बाद में विवाह में परिवर्तित हो गई। इसके अलावा जो प्रायोरिटीज की बात आती है, पसंद, कौन चीज़ पसंद है कौन चीज़ नापसंद है एक इंसान को, उसमें मैं ये कहूँगा कि मेरी माँ मुझे बहुत पसंद है, लोक संगीत मुझे बहुत पसंद है। ओ लाली होशिया बधानी लाली तील धारू बोला, ओ लाली हो लाली होशिया बधानी लाली तील धारू बोला, ओ लाली हो लाली ने जाना बधानी लाली तील धारू बोला, ओ लाली हो लाली।
रानी लाली थी लदा। नमस्कार, पर्वती कला केंद्र की ओर से हरुहीत लोक गाथा की इस मंचन में मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्य हिमालय क्षेत्र की लोक गाथाओं का मंचन पर्वती कला केंद्र प्रतिवर्ष करता है और यह उसका नवा प्रयास है। हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि आज हमारे बीच उसी अंचल के लोक कलाकार श्री देवेंद्र राम आर्य और उनके साथी जो इस गाथा के मूल गायक हैं हमारे बीच विद्यमान हैं। भगवान जी गुजरू कोट में समर सिंह जो छी भगवान सात जो हो चल जो छी सात बारी तुम्हारे गुजरू कोट में ऐसा न्याई राजा छिया तू मैं गुजरे कोटे महाराज।